फिर से नजर डालते हैं यूपी पर, जहां यूपी के रामपुर में उत्तर प्रदेश मिनिस्टर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट के सभी विभागों में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही सभी ने अपनी मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं उत्तर प्रदेश मिनिस्टर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री पवन सक्सेना ने कहा कि हमारी 24 मुख्य मांगे हैं, जिसे मेन रूप से कैबिनेट में पास किया जाना है। सारी मांगों में जो शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं पर कैबिनेट स्तर पर लंबित हैं। हमारी मांग में सबसे पहले नवीन पेंशन योजना एनपीएस को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, यह हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। पवन कुमार सक्सेना, जिला महामंत्री, उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री कलेक्टर संघ। हमारी 24 प्रमुख मांगे हैं, जिसे मेन रूप से कैबिनेट से सिर्फ पास किया जाना है। सारी मांगों में जो शासन से दिशा निर्देश है वो पूर्ण हो चुके हैं, कैबिनेट स्तर पर लंबित है, इसलिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और नायब तहसीलदार को 10% पदों पर प्रोन्नति प्रदान। और मेरे साथ कम से कम 80 कर्मचारी कलेक्ट्रेट कर्मचारी के, और ये संपूर्ण पूरी तहसीलें हमारी बने। नवीन पेंशन योजना एनपीएस को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा ये। हमने तालाबंदी करके टोटल विरोध करा, करने का बहिष्कार है, तालाबंदी करिए पूरे कलेक्ट्रेट की। और ये यहाँ ही नहीं, प्रांतीय अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी जी है, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई कर रहा है पूरा उत्तर प्रदेश का अपडेट बांधे। और हमारे महामंत्री जी, आप इसे, मेरा नाम सैयद लियाकत अली, जिला अध्यक्ष कलेक्ट्रेट। किस तरीके का विरोध कर रहे हैं? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।